सत श्री अकाल एलजीडी टीवी भाव लफ्जां दी दुनिया यूट्यूब चैनल देख रहे दोस्तों एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। दोस्तों इंतजार दियां घड़ियां खत्म होईयां, काफ़ी लंबे समय तो दस्तार सजाओ मुकाबला चल रहा सी। अज असी उसका रिजल्ट जिहड़ा आ ओह तुहाडे सन्मुख कर रहे हैं। मुकाबला बड़ा ही शानदार रहा, हर पार्टिसिपेंट ने अपनी अपनी भूमिका बड़े ही वधिया संजीदा ढंग नाल निभाई। साडे जज साहिब जिन्हां ने हमेशा ही निरपक्ष रह के अपना फैसला किया, इस रिजल्ट दे विच भी उन्होंने बड़िया ही अपनी जिहड़ी भूमिका बड़ी शानदार निभाई आ, उन्हां दे असीं तहे दिलों धन्नवादी हाँ। जब तक जज साहब साडे नाल जुड़दे ने लाइव होंदे ने तद तक असीं, मैं तुहानूं दसना चाहुंना कि एलडीडी टीवी वल्लों होर भी बहुत सारे मुकाबले आने वाले दिनों में करवाए जा रहे हैं, जिमें म्यूजिक गीत संगीत का मुकाबला, इंस्ट्रूमेंट का मुकाबला या फिर दस्तार सजाओ जिहड़ा दूजा मुकाबला आ, वह भी बहुत जल्द असं शुरू कर रहे हैं। पर उस तो पहला एक म्यूजिक का गायन का मुकाबला जिहड़ा आ वह करवाया जाऊगा। तो ये मुकाबले जिहड़े ने इस तरह ही तुहाडे सहयोग के नाल हुंदे रहणगे। तुसीं हर वीडियो नूं अपना सहयोग दिओ तां कि तुहानूं नवे अपडेट्स पता लगते रहन। अपने दोस्तों तक भी भेजो, अपने जानकारां तक भी ये वीडियोज़ नूं वट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर जेकर तुसीं ट्विटर वरतदे हो तां उसके थ्रू लिंक जरूर शेयर करो। ये लाजमी आ कि हर इंसान नूं अपडेट पहुँचते रहन। दोस्तों साढ़े नाल दस्तार सजाओ मुकाबले के जज साहिब सरदार धरमिंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं, आओ सब तो पहला उन्हों का स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल सर जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जी सर, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सर इस मुकाबले के जिहड़े पार्टिसिपेंट ने उन्होंने की कहना चाहोगे, क्योंकि सब तो पहला आपां एक राबता करना चाहते हैं, पार्टिसिपेंट तुहाडे विचार सुनना चाहते हैं, जजमेंट तो पहला तुसीं उन्होंने की कहना चाहोगे, किहड़ा विचार उन्हां नाल साझा करना चाहते हो? सब तो पहला हर मुकाबले के फाइनल राउंड विच पहुंचे सारे ही प्रतिजोगियों नूं बहुत बहुत मुबारकबाद कि तुसीं फाइनल राउंड विच अपनी जगह बनाई। तुहाडे मापिया ते सहयोगियों का बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने तुहानूं प्रेरित करके इस मुकाबले विच भाग लैण लई प्रेरित किया। जी सर, दूसरा मेरा सवाल यह आ कि जद तुसीं ये जजमेंट कर रहे सी तां किहड़ियां किहड़ियां चुनौतियां सी, जां तुहानूं की लगता है कि यह मुकाबला जिहड़ा आ किन्ना टफ सीगा? मुकाबले बारे गल करां तां सारे ही विद्यार्थियों ने बहुत सुंदर दस्तारां सजाईयां, तो मेरे लिए भी चुनौती सीगी, निर्णा करना बहुत मुश्किल सी भी किस ने सुंदर दस्तार सजाई। तो एक ऑनलाइन जजमेंट करनी काफ़ी औखा काम हो जाता, जो असी लाइव किसी के जजमेंट करते हैं तो कुछ होर मापदंड होंगे, थोड़ा आसान होंगे। साढ़े लिए भी चुनौती सी ऑनलाइन जजमेंट करनी, तो तुहाडे लिए भी बहुत कह दिए नवा तजर्बा सी कि तुसी पहला दस्तार सजाउणी आ, वीडियो बनाउणी आ, तो फिर उसनू नैट ते अपलोड करना। बहुत विद्यार्थियों को अपलोड करने समय, वीडियो बनाने समय बहुत मुश्किलों का सामना करना पिया, पर फिर भी असी सारे ही विद्यार्थियों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि सारे ने अपनी वीडियो बना के सानू भेजी। जी सर, प्यारे दोस्तों जिवें कि तुसी जानते हो कि ये जो मुकाबला सी फाइनल राउंड सी इहदे विच 50 अंक असी व्यूज़ दे रखे सी, भाव के जिहड़ी दस्तार हर पार्टिसिपेंट ने सजाई आ उन्हों लोग वेख के अपनी किन्नी क वोटिंग देंगे ने, किन्ने व्यूज़ देंगे ने, वो अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट जिमें पहले 300 तो लैके, मतलब 301 व्यू तो लैके 500 तक 5 नंबर, उस तो बाद 1000 तक 10 नंबर, 1500 तक 15 नंबर, तो 2000 तक 20 नंबर, इस तरह ही 2500 तक 25 नंबर एक्सट्रा है। जिमें तुसीं स्क्रीन पर वेख रहे हो सारे नंबर जिहड़े ने उस तरह व्यूज़ दिते जाने सी, पर ये व्यूज़ के नंबर तुहानूं इस मुकाबले दे नाल जोड़ी रखने वास्ते अपडेट जानण दे वास्ते जिहड़े ने वह रखे गए सी मेन, क्योंकि असीं पग नूं तरजीह देनी आ किन्नी क शानदार ढंग नाल तुसीं
पग बनते हो कि सजा के बनते हो कि शौक न बनते हो यह असी नोट किया नाल नाल। पहला नुकता तो यह कि दो राउंड कराने का मकसद यह कि पहला राउंड तो सहज सुभा कोई भी पग बन के भेज दिता आ, दूजे राउंड का सी कि जो कोई बहुत ही शौक रखता जिमें कि बहुत सारे पार्टीसपेंट ने मैनू परसनली मैसेज भी किए कॉल भी कीतियाँ कि सानू नवी नवी पग बनने का बड़ा शौक पैदा होया आ, साढ़े बच्चों उत्साह से इस करके असं तुहाडे धन्नवादी हाँ। तीजा नुकता सी कि 50 नंबर जिहड़े ने वो जज साहब वालों जजमेंट दे दिते जाने सी, भाव कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग हर नुकते तो पग नूं वाचिया कि तुसीं दस्तार किस ढंग नाल सजाउंदे हो। जिहड़ियां तकनीकी शोहां हुंदियां ने आओ हुण आपां जज साहब तों जाणदे हां कि उन्होंने ये 50 नंबर की जिहड़ी वंड आ उह किवें कीती। जी सर, तुसीं इस बारे की कहना चाहुंदे हो? जजमेंट समय मैं 50 अंकां नूं 5 भागां विच वंड लिया सी, 10-10 करके। ਅਤੇ 10 ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨੂੰ 50 ਕਿੰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 10 ਅੰਕ ਇਸ ਦੇ ਸੀ। 10 ਅੰਕ ਸਨ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੜ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅੰਕ ਸੀ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਲੜਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਫਾਈ ਦੇ, 10 ਅੰਕ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਢਕਿਆ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ। ਆਖਰੀ 10 ਅੰਕ ਆਖਰੀ ਲੜ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਲੜ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਅੰਕ ਉਸਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 50 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਰ ਸੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 14 ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ। 3 ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣੇ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ 14 ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ 12 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਡ 0511 ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕ 34 ਅੰਕ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਵਿਊ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਊ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ 50 ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਲੜ ਜੇਕਰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, 50 ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। 11ਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਡ 054 ਸਰਦਾਰ ਗੁਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੱਚੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਟਕਾ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਇਸਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ 30 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 50 ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 5 ਅੰਕ ਇਸ ਨੂੰ
व्यू दे प्राप्त हुए ते इसलिए इस दे कोल अंक 35 सन। इस दे नाल पोजीशन शेयर कीती है कोड 515 सरदार जसपाल सिंह, उन्होंने भी दस्तार बहुत सुंदर बनी, लड़ बहुत साफ सन, प्यारी सी दस्तार। लड़ सेंटर दे विच पग सेंटर दे विच नहीं सी, सामने तो दिखाई जदों देखदे हां तां पग सेंटर च नहीं लगदी सी, वह एक छोटी जी कमी लगी। अदरवाइज दस्तार बहुत सोहनी सी, 35 अंक इन्हां दे दस्तार दी सन, पर व्यू कोई ना मिल करके 35 अंक ही आए हैं 100 विचों, इसलिए इन्हां दोनों वीरां दी पोजिशन 11वीं है। 10वीं पोजिशन हासिल कीती है कोड 0520 सरदार गुरजोत सिंह ने, बहुत सुंदर दस्तार बनी सी, बहुत वधिया लड़ लगाए सन, कला कला लड़ दिखाई दे रहा सी, पर इन्हां दे भी व्यू घट होण करके पोजिशन पिछे चली गई। इन्हां ने कुल 36 अंक दस्तार जजमेंट दे हासिल कीते 50 विचों, पर व्यू दा कोई अंक ना मिलने करके 36 अंक ही 100 विचों रह गए। सुंदर दस्तार सी, एक ही सजेशन है कि सिर तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा सी पग दे उपर, कोशिश की जाए लड़ा नूं थोड़ा खोल के लगाया जाए ताकि उपरों सिर घट दिखाई दे, अदरवाइज पग बहुत सुंदर सजाई सी। शुभकामनावां भविख लई भी। 9वीं पोजिशन हासिल की सरदार मनवीर सिंह कोड 519, बहुत ही छोटा जिहा बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत सुंदर दस्तार बनी सी, बहुत छोटी उम्र के सियाणे वांगू पग्गां दे लड़ लगाए सन, बहुत सुंदर दस्तार सी, साल दो साल दे विच बहुत ज़्यादा सुंदर दस्तार सजाउण लग जाएगा, क्योंकि पग दियां बरीकरियां आखिरी लड़ मोड़ के लगाया उसी तरीके नाल, सब कुछ काफ़ी ठीक सी। इसने टोटल 37 अंक प्राप्त किए, 32 अंक दस्तार जजमेंट के विचों, ते 5 अंक इसनों व्यू दे प्राप्त हुए, कुल 37 अंक से। मैं पहला भी कहा सी मुकाबला बड़ा सख्त सी, एक एक दो दो अंकों का फर्क आ, 35, 36, 37, बहुत सख्त मुकाबला सी। इस विद्यार्थी ने 9वीं पोजिशन हासिल की, बहुत छोटा सी, परिवार को मापियां बहुत शुभकामनावां, जिन्हें इन्ने छोटे बच्चे दस्तार बनन लगाया, सिखाई आ दस्तार बनने, उम्मीद है कि इसे तरह ही होर दस्तार सुंदर बनेगा विद्यार्थी। 8वीं पोजिशन हासिल की है कोड 059 सरदार राजविंदर सिंह, जिन्होंने बहुत वधिया दस्तार बनी, कोई शक नहीं, पर व्यू विचों अंक घट आउण करके इन्हां दे अंक 38 रह गए, 38 अंक इन्हां दे दस्तार विचों हन, 50 विचों 38 अंक हन, पर इन्हां व्यू दा कोई अंक नहीं मिलिया, इस करके इन्हां दी 8वीं पोजिशन है। बहुत सुंदर दस्तार सजाई सी, एक एक लड़ दिखाई दे रहा सी, चिणे पए सी लड़, उम्मीद है कि अगे दस्तार होर सुंदर सजाउणगे, कोशिश की जाए जे लड़ा नूं होर नेड़े लगाया जाए तां पग होर सुंदर लिखाई देवेगी। आखिरी लड़ जे मोड़ के लाया जाए, पर अजकल बच्चे सारे सीधा ही लगाते हैं, पर जो आप लड़ा वाली पग बनते हैं तो कोशिश की जाए लड़ मोड़ के लगाया जाए तो ज़्यादा सुंदर लगता, अदरवाइज पग बहुत सुंदर सी विद्यार्थी की। 7वीं पोजिशन हासिल की है कोड 057 सरदार अगमप्रीत सिंह, इन्होंने बिल्कुल ही अलग तरीके की दस्तार सजाई सी, जिमें अपने अमृतसर गुरद्वारा साहिब संघ साहबान दस्तार सजाते हैं उस तरीके ना दस्तार सजाई सी, बहुत सुंदर दस्तार सी, अलग सी, लोगों नालों कुछ वखरा किया सी, ते बहुत वधिया लड़ सी, एक एक लड़ चिणिया पिया सी, लड़ां दी गिनती करनी मुश्किल सी, इन्ने लड़ सी, ते लड़ां दे विच सफाई बहुत सी दोनों पासों, बहुत ज़्यादा सुंदर दस्तार सी। इन्हां दे दस्तार विचों 39 अंक हासिल किए 50 विचों, ते व्यू दे अंक कोई ना होण कारण, व्यू 300 तों घट होण कारण 39 अंक ही हन 100 विचों, ते इन्हां दी 7वीं पोजिशन है। 6वीं पोजिशन हासिल की है कोड 055 सरदार अंश प्रताप सिंह, बहुत सुंदर नाम, तो उस तरीके दस्तार भी बहुत सुंदर सजाई,
बहुत प्यारे लड़ एक एक लड़ दिखाई दे रहा, कोई कमी नहीं किसी पास, वधिया दस्तार सी। इन्होंने दस्तार विच्चों 36 अंक प्राप्त किए, तो व्यू दे इन्हों 10 अंक प्राप्त हुए, तो कुल अंक इन्हों बने 46। बहुत सुंदर दस्तार सी। अगे वास्ते विद्यार्थी लिए सजैशन यही है भी लड़ थोड़े जे नेड़े लाए जाण, दस्तार होर सोहनी लगेगी, ठहराओ नाल संजम नाल जेकर टका के लड़ जाए जाण तां होर सफाई लड़ां दे विच हो सकती है, इदों भी सुंदर दस्तार सजा सकते हैं। आखिरी लड़ जेकर थोड़ा छोटा हो मोड़ के लगाया जाए तो ज़्यादा सुंदर लगेगी, पर कई बार लड़ बांधे तो लड़ बढ़ जाता, उस तरीके एडजस्ट करना पैंदा, तो विद्यार्थी ने वधिया एडजस्ट किया, इसलिए बहुत सुंदर दस्तार सी। उम्मीद है कि भविख में होर भी सुंदर दस्तार सजाएगा। मापियां नूं शुभकामनावां, विद्यार्थी नूं शुभकामनावां। पांचवीं पोजिशन हासिल की है कोड 058 सरदार सरबजीत सिंह ने, इन्होंने पांचवीं पोजिशन हासिल की है। बहुत छोटी उम्र का यह भी विद्यार्थी सीगा, भाग लैन वाला पार्टिसिपेंट सी, दस्तार पक्षों पर कोई कमी नहीं सी, वह एक एक लड़ चढ़िया पिया सी, सुंदर लड़ दिखाई दे रहे सी। इन्होंने कुल अंक 38 प्राप्त किए हैं दस्तार विच्चों, ते 10 अंक इन्हों व्यू दे प्राप्त हुए हैं, ते कुल अंक प्राप्त हुए 48। लड़ां की सफाई बहुत सी, दोनों पासों तो लड़ दिखाई दे रहे सी, पर जिवें अज बच्चे छोटी पगां बनते हैं, 5 लड़ी पग सी ता करके मार्क्स 1-2 घट गए, 50 थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। इन्हां गल्लां दा ध्यान रखा जाए, दस्तार होर भी सुंदर लगेगी, अदरवाइज लुक वाइज सामने तो फ्रंट तो बहुत सुंदर दस्तार लगती सी, इन्हां 1-2 कमियां नूं दूर करके होर भी दस्तार नूं सुंदर बनाया जा सकता। फोर्थ पोजिशन, चौथी पोजिशन हासिल की है कोड 056 सरदार मनमोहन सिंह, बहुत प्यारा जिहा बहुत छोटा जिहा बच्चा, इसके व्यू काफ़ी ज़्यादा सन, लोगों ने इसका मतलब बहुत ज़्यादा पसंद किया दस्तार में, इसके व्यू 1900+ सन, इसलिए इन 20 अंक व्यू दे प्राप्त हुए, तो दस्तार विच्चों 32 अंक प्राप्त हुए, तो इसके कुल अंक बन गए 52। इसने चौथी पोजिशन हासिल की है। दस्तार बच्चा थोड़ा जहा छोटा, जे मैं सजैशन कह तो पग थोड़ी जी वड्डी लगती है, तो दस्तार जो थोड़ी छोटी हो गए तो विद्यार्थी होर भी सुंदर दस्तार सजा सकता। लड़ां की सफाई वाल थोड़ा ध्यान दिता जाए पग का, क्योंकि साइज विद्यार्थी के फेस नालों थोड़ा वड्डा लगता, जे दस्तार थोड़ी छोटी होंगी इदू भी सुंदर दस्तार लगनी सी, तो बरबर भी बहुत सुंदर दस्तार सजाई, इस सुधार करके पग होर भी वधिया बन सकती है। फिर भी चौथी पोजिशन हासिल की विद्यार्थी नूं, मापियां नूं शुभकामनावां, बहुत वधिया विद्यार्थी ने अंक प्राप्त किए। तीजी पोजिशन हासिल की सरदार गुरसेवत सिंह 052 कोर सी जिन्हां दा, इन्होंने दस्तार विच्चों 36 अंक अते 20 अंक इन्हों व्यू दे, क्योंकि इन्हों 1700+ व्यू सन, टोटल अंक इन्हों बन गए 56। इन्होंने तीजी पोजिशन हासिल की आ, बहुत सुंदर दस्तार सी, बहुत सुंदर लड़ सन, लड़ एक एक चिणिया पिया सी, एक एक लड़ दिखाई दे रहा सी, जे मैनू थोड़ी बहुत कमी लगी तो फ्रंट तो शेप दे विच थोड़ी कमी लगी कि शेप उन्नी सुंदर नहीं आई, साइडां तो लड़ बहुत सोहणे सी, कोई कमी नहीं सी, उपर तो भी लड़ काफ़ी हद तक साफ सी, ते फ्रंट तो शेप दी थोड़ी कमी रही। उहदा कारण मैनू जो लग्या कि एक तो शायद विद्यार्थी ने जूड़ा खोल के शायद उपर आ गया, उस करके थोड़ी उपर उठ गई, तो जो साइड पर जुड़े में जिन्हें अजकल विद्यार्थी करते हैं सैट किया जाए तो दस्तार होर सोहनी लगेगी, अदरवाइज विद्यार्थी ने बहुत सुंदर पग बनी सी, बहुत लड़ साफ सन। दूजी पोजिशन दो विद्यार्थियों ने शेयर की है, तो बहुत ही सुंदर दस्तारा सजाइया सी। पहला 0512 सरदार प्रभनूर सिंह, बहुत ही दस्तार सुंदर सी, मैनू कोई मैं कई बार पग देखी तो मैनू कोई कमी नहीं लग रही सी, नज़र आ रही सी भी दस्तार विच की कमी है, बहुत ज़्यादा सुंदर दस्तार सी, लड़ भी चिने पे सी, लड़ां की गिनती भी काफ़ी सी, जो मैनू लग्या पग दे विच आखिर दे विच कि पग थोड़ी छोटी लग रही सी, देखण दे विच लुक वाइज पग फेस ते थोड़ी छोटी लग रही सी,
अदरवाइज लड़ बहुत ज़्यादा सी, पग बहुत सुंदर सी, उपर तो साइडा तो बहुत ज़्यादा सुंदर दस्तार बनी सी। जेकर मैं दस्तार जजमेंट के पक्षों देखा तो पहली पोजिशन के विद्यार्थी या पहली पोजिशन कह सकते हैं, पर व्यू दस हो व्यू के अंक इन्होंने दस मिले, दस्तार के अंक 47 47 सी, तो कुल अंक इन्हों बन गए 57। बहुत सुंदर दस्तार बनी, शुभकामनावां कि होर भी विद्यार्थी अगे जाएगा, बहुत प्यारी दस्तार बनता। कोशिश की जाए जो आखिरी लड़ मोड़ के लगाया जाता तो सोने पर सुहागे वाली गल हो जानी सी, अदरवाइज दस्तार बहुत सुंदर सी। विद्यार्थी नूं परिवार नूं शुभकामनावां कि विद्यार्थी ने दूजी पोजिशन हासिल की। इस दे नाल पोजिशन शेयर करन वाला दूजा विद्यार्थी सी सरदार अभयराज सिंह कोड 510, उन्होंने भी सेम 10 अंक व्यू दे ते 47 अंक दस्तार दे सन, उन्होंने अंक सन 57। उन्होंने लड़ मोड़ के लगाया, जिस तरह मैं तुहानू कह रहा सी लड़ आखिरी मोड़ के लगाया सुंदर लगता, तो उन्होंने दस्तार दे विच जे कमी कमी जां कहदा वी छोटी जी मैनू इक गल लगी कि वह पग 5 लड़ी सी, उस पक्षों उन्होंने एक दो अंक उधरों कटे गए, अदरवाइज बहुत सोहनी सामने तो लुक लग रही सी, लड़ बहुत वधिया सी, सेंटर दे विच सी, 50 जिन्नी चाहिए उन्नी दिखाई दे रही सी, सारे पक्षों तो पग बहुत सुंदर सी, लड़ जरूर एक दो घट सी, जे लड़ एक दा होर हुंदा ते दस्तार इदे भी सोहनी लगनी सी, अदरवाइज पग दस्तार ते बहुत सज रही सी, बहुत सुंदर दस्तार बनी ते दूजी पोजिशन हासिल की। परिवार नूं ते बच्चे नूं बहुत शुभकामनावां। तो हुण गल करदे हाँ आपां पहली पोजिशन एक नंबर ते नाम ही बच्चे दा एक नूर सिंह, कोड 053 एक नूर सिंह, जिन्हां ने कुल 67 अंक प्राप्त किए, 42 अंक दस्तार दे अते 25 अंक व्यू दे प्राप्त होए, क्योंकि उन्हां दे व्यू 2000 तो उपर सन, उन्हां नूं 25 अंक व्यू दे मिले ते 42 अंक दस्तार विचों प्राप्त होए। बहुत छोटी उम्र का विद्यार्थी है जी, इसने दस्तार बहुत सुंदर सजाई सी, जो मैनू लग्या कमी कह दिए जा भी, पर बहुत वड्डी गल आ कि उसने पग भड्डी बनी सी, लड़ ज़्यादा सी, मैं कहना जे लड़ एकदा घट हुंदा तां दस्तार इस तों भी सुंदर बनी जा सकती सी, सुंदर लगनी सी। फिर भी विद्यार्थी इन्ने छोटे ते इन्नी सहज नाल ठंभे नाल बहुत सोहनी पग बनी, पहली पोजिशन हासिल की। मापिआं नूं शुभकामनावां जिन्हां ने विद्यार्थी नूं इस पासे जोड़िया, इन्नी छोटी उम्र का विद्यार्थी दस्तार सजा रहा, ये बहुत वड्डी गल आ, ते बहुत ठंभे नाल बहुत सियाणिआं वांग पग नूं उसने बन्निआ सजाया, बहुत सुंदर लग रही सी। उम्र दे नाल दस्तार दे विच बहुत ज़्यादा सुधार होवेगा, ते विद्यार्थी किसी दिन बहुत ज़्यादा सुंदर दस्तार बनूगा जो मैनू लग रहा, क्योंकि इन्नी छोटी उम्र के 7-8 लड़ लगा के बहुत सुंदर दस्तार सजाई सी, ते लड़ जे एक दो घट होंदे तां बहुत ज़्यादा सोहनी लगनी सी दूजी पग, अदरवाइज पग की लुक ठीक सी, बहुत वधिया दस्तार सजाई। परिवार नूं शुभकामनावां, सारे ही भाग लैण वाले विद्यार्थियों उन्होंने मापिया, खास करके जिन्होंने विद्यार्थियों भाग लैण योग बनाया उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह, क्या बात है, पोजिशन हासिल करने वाले सारे ही पार्टीसपेंट्स नूं बहुत बहुत मुबारकबाद। जिहड़े पोजिशन हासिल करन दे बहुत करीब सी पर अपनी पोजिशन हासिल नहीं कर सके इनाम दे वास्ते, उन्होंने उदास होने की लोड़ नहीं, क्योंकि बहुत जल्द असी एक होर मुकाबला जिहड़ा दस्तार सजाओ वह भी शुरू करांगे। उस तों पहलां जिवें कि तुसीं पहलां जाणदे हो, मैं दस्या सी कि म्यूजिक का गायन का मुकाबला, इंस्ट्रूमेंट का मुकाबला जिहड़ा आ वह मुकाबले भी वक्ख वक्ख असीं बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। पर दोस्तों एक चीज़ होर क्लीयर कर दें, इत्थे जिहड़े व्यूज़ के नंबर ने वो साडे वल्लों जिन्ने भी व्यूज़ ने किसी के वध घट हो सकते ने माड़े मोटे, पर क्योंकि चैनल साडे वल्लों क्रिएट किया गया, यूट्यूब दियां अपने कुछ नियम हुंदे ने, वो वार वार किए गए क्लिक नूं कदे भी दोबारा नहीं गिणदे। तुसीं डायरैक्ट आप भी यूट्यूब नाल एक बारी राबता कर सकते हो, साडे वल्लों सिर्फ चैनल क्रिएट किया गया, ना कि असीं होर कोई भूमिका निभाउने आ। शेयरिंग दी ऑप्शन भी तुहाडे कोल सी, वीडियो नूं वक्ख वक्ख लोगों तक पहुँचाउण दी जिहड़ी सुविधा सी वह भी तुहाडे कोल सी, असीं तां सिर्फ एक बार वीडियो अपलोड की आ, उस तों बाद साडी जिम्मेवारी तुहाडे दस्तार दे वक्ख वक्ख नुक्तियां नूं जजमेंट करन दी सी, होर साडी कोई भूमिका नहीं। हो सकता किसी नूं इह इतराज़ होवे कि साडे व्यूज़ नहीं वधे, हो सकता किसी नूं इह इतराज़ होवे कि साडे व्यूज़ बहुत ज़्यादा सी,
पर साड़ी पोजीशन जिहड़ी आ वह बहुत नीवी रह गई या पिछे रह गई। स्पष्ट करते हैं कि पहला तो असी दस्तार कौन ज़्यादा सुंदर कौन ज़्यादा वधिया सजाता आ उन्हूं पहल दी आ। तो जज साहब ने यह फैसला बड़ा निरपक्ष होकर किया कि दस्तार, क्योंकि जिमें उन्होंने दसिया कि मैं कुछ साथियों तो जो दस्तार सजाओ मुकाबले अक्सर करवाते रहते उन्हां दी सलाह भी ली आ। ये बड़ा ही गह गच मुकाबला जिहड़ा सीगा उहदा संजीदा जिहा फैसला होया आ, उहदे संजीदा जिहा रिजल्ट जिहड़ा आ उह साडे सामने आया आ। उम्मीद आ कि तुहानूं सारिआं नूं इस दे नाल सहमति होगी। तो इस नाल नाल हुण मैं एक चीज़ होर, क्योंकि जज साहिब सरदार धर्मिंदर सिंह होरां ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई, मैं परसनली तौर पर तो रुझेवियां विच हो सकदा कितें ध्यान ना दे सकिया होवां, पर जज साहब सरदार धर्मिंदर सिंह जी ने बहुत ही नीज नाल इस मुकाबले नूं जज किया, जजमेंट की मुकाबले की। इस लई असी उन्हां दे धन्नवादी हाँ, तो धन्नवाद के पक्षों ही धन्नवाद करदे हां। असी उन्हां नूं चैनल वालों सर्टिफिकेट दे के सन्मानित करना चाहते हाँ जी। सर तुहाडा ये सन्मान पत्र जी तुहानूं ईमेल कर दिता जाऊगा, तुहाडे असी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। तो धन्नवाद। आखिर दे विच मैं लफ्ज़ां दी दुनिया चैनल LDD यूट्यूब चैनल दे संचालक सरदार जसवीर सिंह जी दा बहुत धन्नवाद करदा, जिन्होंने विद्यार्थियों नूं करोना बीमारी के दौरान एक अलग प्लेटफॉर्म दिता जिथे विद्यार्थी अपनी दस्तार नूं होर सुधारन दे विच बिजी रहे। तो उन्होंने बहुत कुछ सीख्या भी होगा दूजे दिन दस्तारा देख के। तो इसलिए जसवीर सिंह वीर जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने यह उपराला किया। तो खास तौर पर रहनुमाई करने वाले वीर डॉक्टर रविंदर सिंह जी का भी बहुत धन्यवाद, जो हमेशा समय के नाल नाल सानू कुछ नवीं गल्लां दसते रहते हैं, तो कुछ नव करने प्रेरणा देंदे रहते हैं, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। असीं तहे दिलों धन्नवादी हाँ। प्यारे दोस्तों, जाते जाते मैं एक गल होर तुहानूं दसदिआं कि सारे ही पार्टिसिपेंट नूं असीं जिहड़े सर्टिफिकेट सीगे ओह वट्सएप कर दिते सी। इस दे नाल नाल ही जिन्हां पार्टिसिपेंट्स ने अपनियां पोजिशनां हासिल कीतियां ने बहुत जल्द उन्हां नूं उन्हां दी जिहड़े इनाम ने वह भेज दिते जाणगे, पेमेंट जिहड़ी आ सन्मान जिहड़ा आ वह कर दिता जाऊगा। तो इस दे नाल आखिरी नुकता कि जिन्होंने पोजिशन हासिल कीतियां ने उन्होंने नाल एक बहुत संजीदा ढंग नाल मुलाकात भी की जाऊगी, उन्होंने नाल एक सांझ भी बनाई जाऊगी। तो बहुत जल्द इस चैनल के उत्ते इंटरव्यू तुहाडे नाल शेयर करांगे, सांझी करांगे। तो हुण मैनू दिओ इजाजत। सत श्री अकाल।